आप लोगों को जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को जीवन होने का एहसास दिलाने वाली वो सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानकारी दूंगा। और जानकारी ही नहीं, आप लोगों को मैं सचमुच रूप से, अगर पूरी बात आप लोगों ने सुनी और ध्यान से पूरा वीडियो देखा सुना, तो आपके जीवन में वो कुंठा, वो निराशा और वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगी जो कहीं ना कहीं आप त्रास में रहते हैं कि यार मैं इस बात को किससे कहूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की चर्चा उस हर पुरुष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा जो कहीं ना कहीं अंदर से कुंठित भावना का शिकार रहता है। और यहां तक कुछ हमारे युवा और जानकारी के अभाव में हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बच्चे जैसे लोग इस समस्या से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो किसी से कह नहीं पाते और कहीं ना कहीं अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर लेते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को ऐसा टिप्स देता हूं जो आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाएगा। और ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं 5 दवाओं के बारे में बताऊंगा जिसको आप नोट कर लीजिए और आप दिमाग में बैठा लीजिए और उसके साथ साथ कुछ भ्रांतियों को दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ योग का सहारा ले लीजिए, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ गलतफहमियां जिसके वजह से आप परेशान रहते हैं उसको मैं दूर करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम परेशान रहते हैं कि चूंकि इस बात को मैं इसलिए अच्छे से कह रहा हूं कि बीइंग ए डॉक्टर आई हैव सेवरल पेशेंट हु विजिट माई क्लिनिक पर डे एंड टेल दियर इंटरनल स्टोरी बाई विच आई कैन शेयर नॉलेज अबाउट। ऐसे लोग जो मुझसे इस बात को बताते हैं, उस चीज को मैं कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक वो अंधकार में है, ये सारी चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। दोस्तों, कभी कभी मेरी छोटी सी भूल, छोटी सी लैक ऑफ नॉलेज हमें बहुत ही विस्फोटक स्थिति जीवन में ला देती है। उस नॉलेज को जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर SB तिवारी कल्याण जी नित्य आप लोगों की सेवा में जीवनोपयोगी चर्चा वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता है, देता रहता है। सचमुच आप मेरे चैनल को उठा के देखिए, आपको ऐसा प्लेटफार्म मिलेगा जिसमें कि हर क्षेत्र के कुछ न कुछ जीवनोपयोगी चर्चाएं आपको मिलेंगी। कोई भी वीडियो आप क्लिक करिए, आपको कोई न कोई महत्वपूर्ण जानकारी भरा संदेश मैं देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी देता हूं कि हमारे भाई मित्र इस बात से परेशान रहते हैं कि डॉक्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम आवर जेनाइटल पार्ट विच इज नॉट प्रॉपर लेंथ, नॉट प्रॉपर थिकनेस। दोस्तों, ये मान सकते हैं कि कुछ लोग इस पॉइंट पे
5 से 10% दुर्भाग्यशाली होंगे जो इस समस्या से वाकई सफर कर रहे हैं, बट 90% टोटली कंफ्यूजन में है। दे आर टोटली इन डिल्यूजन। एंड आपको एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूं कि इट इज नॉट मैटर ऑफ दियर क्वालिटी, इट इज मैटर ऑफ दियर क्वांटिटी। आपके पास 5 उंगली है, 5 उंगलियों की साइज बराबर नहीं हो सकती है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन अगर इसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग पावर है तो थोड़ी छोटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस गलतफहमी से आज मैं दूर कर रहा हूँ कि आप इस बात को लेके परेशान ना हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम आवर साइज एंड शेप। आप इस बात से जरूर सजग रहिए कि आपको जो भी है उसके अंदर कितना एक्टिविटी है, वो कितना एक्टिव है। तो इट इज मैटर ऑफ योर क्वालिटी। तो ऑलवेज थिंक अबाउट क्वालिटी, नॉट अबाउट क्वांटिटी। दूसरी चीज ये है कि स्पर्म की क्वांटिटी के ऊपर भी हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि डॉक्टर व्हेन आई इंटरकोर्स द अमाउंट ऑफ स्पर्म इज नॉट मोर देन। तो दोस्तों ये भी एक टॉपिक है। हाँ, इस टॉपिक में कभी कभी कुछ दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनके साथ कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी है, वो बहुत ही लेस अमाउंट में इजैकुलेट करते हैं, तो ऐसे स्थिति में मेडिसिन उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। बट यहाँ भी थोड़ा दिमाग में इस चीज़ को रखिए कि अगर आप क्वालिटी द स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर थोड़ा क्वांटिटी कम भी है तो यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इस तरह के जो दिमाग में भ्रांतियां हैं, तीसरी जो भ्रांति है वो टाइमिंग को लेके है। दोस्तों टाइमिंग को लेके हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि डॉक्टर आई हैव नो प्रॉपर टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो इट इज मैटर शुड बी कंसिडरेबल इफ द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इज रियली टू मच लेस। आवर मेडिसिन गिव यू प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर हेल्प। तो इस तरह की चीज़ों को आप अगर सचमुच में परेशान हैं तो दोस्तों आइए हम कुछ ऐसी दवाएं, और दवाओं में मैं ज़्यादा नहीं, बहुत दवाएं हैं, लेकिन आज जैसे शरीर की हमारे पूरे संरचना 5 तत्वों से हुई है तो हम वो 5 दवाएं बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहली दवा है दोस्त एग्नस कैक्टस। एग्नस कैक्टस में दोस्त ये होम्योपैथी की ऐसी मशहूर दवा है जिसमें क्या होता है कि कंप्लीट इम्पोटेंसी होती है, पेशेंट को बिल्कुल ही डिजायर ही नहीं होती है, सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल ही नहीं होता है, नो इरेक्शन नो डिजायर कंप्लीट इम्पोटेंसी, और पार्ट्स कोल्ड हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इस स्थिति के वजह से पेशेंट को बहुत ही घोर निराशा, सैडनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो जल्दी से जल्दी सोचता है अपने जीवन को खत्म कर डालो। ऐसे स्थिति में एग्नस कैक्टस मदर टिंचर आपको 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम अपने परिस्थितियों के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से यूज करें, आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी दवा दोस्त डामियाना। डामियाना चूंकि
वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अक्सर लोग इसका नाम जानते हैं। डामियाना को कहा जाता है कि होम्योपैथी की सेक्सुअल पावर को स्ट्रांग करने की बहुत ही मशहूर दवा है। तमाम कंपनियां इसके नाम से जो है अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि आपको ये WHI कंपनी है, इस डामियाना के नाम पर डामिया प्लांट बनाई, तो डामिया प्लांट भी अच्छी दवा है। इसमें भी इन दवाओं के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एक पेटेंट है। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे एक्चुअल डामियाना क्यू की, तो डामियाना क्यू में क्या होता है कि अब दोस्त देखिए, फ्रेजिडिटी ऑफ फीमेल, फियर ऑफ फीमेल, औरत से डर लगता, पेशेंट इज सेक्सुअली एज वीक दैट ही फियर ऑफ फीमेल। सोचिए कितनी खराब अवस्था होगी। कहा जाता है कि ओनली द हिल नोज वेयर द शू पिंचेस, दोस्त जिसके ऊपर पड़ता है वही समझता है, सोचता है कि इस जीवन को खत्म कर डालो। अगर हम इतने ज्यादा परेशान हो सकते हैं तो जीवन में जीने का कोई हक नहीं है। वो इतना ताना उतना मतलब उलाहना झेलता है कि वो सोचता है कि डेथ कर जाओ, मर जाओ। सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया, बिल्कुल ही मन ही नहीं करता है। ऐसी स्थिति में डामियाना की 15-15 बूंदें आपको कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन ला देगा। दोस्तों तीसरी दवा है न्यूफरल्यूटियम। न्यूफरल्यूटियम दोस्त एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, इम्पोटेंसी विथ इनवॉलेंट्री इमिशन ड्यूरिंग स्टूल एंड यूरिनेशन। चूंकि स्पर्म की क्वालिटी इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि दे कैन नॉट स्टैंड देयर पोजिशन प्रॉपर वे, सो व्हेन दे पास स्टूल और यूरिन स्पर्म कुछ भी लूज आउट। ऐसे स्थिति में न्यूफर की कुछ बूंदें 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, ये जो नॉर्मल डोज है, कुछ दिनों तक लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथी दवा दोस्त एवेना। एवेना वाकई होम्योपैथी की ऐसी दवा है जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल को बहुत ही ज्यादा कवर करती है। हम सेक्सुअल वीकनेस के वजह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना इरिटेबल हो जाते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर्ड हो जाते हैं कि मेरी नींद गायब, मेरा सुकून गायब, मेरा चैन गायब। अगर ऐसी स्थिति दोस्त होती है, आपको एवेना सेटाइबा मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, कुछ ही दिनों में आपके जीवन के लिए लाइफ लाइन साबित ना हुआ तो डॉक्टर SB तिवारी आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लेके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। पांचवी दवा है चाइना। चाइना को वाइटल फ्लूइड लॉस की जो है किंग कहा जाता है। होम्योपैथी में चाइना जो है सबसे पुरानी और मशहूर दवा है। यही चाइना पे होम्योपैथी का आविष्कार हुआ था। डॉक्टर हेनमैन ने चाइना बार्क के खोज से ही होम्योपैथी की खोज की थी। तो चाइना वाइटल फ्लूइड जहां लॉस होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कम उम्र में ही कुछ ऐसी गलतियों के वजह से अपना वाइटल फ्लूइड पहले ही लूज कर दिए रहते हैं, लॉस कर दिए रहते हैं, और जब उनको
इस चीज की जरूरत होती है तो उनके पास खजाना खाली रहता है। ऐसे स्थिति में दोस्तों चाइना मदर टीचर और चाइना टीचर के साथ साथ पोटेंसी में भी 30 में 200 में भी जरूरत के हिसाब से यूज की जा सकती है। अगर आप अपने क्षेत्र के कुशल डॉक्टर के संपर्क में हो करके आप दवा लेते हैं तो और आपको बेनिफिट है। और हमने जो ये 5 आपको अस्त्र दिया है ये आपके जीवन में ब्रह्मास्त्र न साबित हुआ तो आप मुझे कहिएगा। डॉक्टर SB तिवारी कल्याण जी कल्याणम होम्योपैथी के बैनर तले आपकी सेवा में हमेशा हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों इसके साथ साथ देखिए कहा जाता है ना कि सोने पे सुहागा। आपने इन 5 तत्वों को जान लिया, इन 5 ब्रह्मास्त्र को जान लिया, इसके साथ साथ अब मैं आपको ऐसा बनाता हूं कि आपका जीवन अत्यंत योज भरा जोश भरा हो जाएगा। दोस्तों इनके साथ साथ आपको मैं कुछ योग का नाम बता रहा हूं जिसको आप करिए। और हाँ मैं अपने चैनल डॉक्टर SB तिवारी पे इस चीज को बताया भी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, योग की वीडियो देखिए, आपको ये दिखेगा। आप उस चीज को करिए। देखिए शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, मत्स्य आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, पद्मासन है, वज्रासन है। इन आसनों से आपके अंदर ये पावर बहुत मजबूत होगा। इन आसनों से आप फिजिकली मेंटली सोशली और इंटरनली इतना मजबूत हो जाएंगे कि दोस्तों आपके जीवन में छोटी मोटी चीजें कभी परेशान नहीं करेंगी। आप करके देखिए, आप का जीवन न बदला तो कहिएगा। सब कुछ यही संभव है, आप करके देखिए। जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। आप यहीं पे स्वर्ग का महसूस करेंगे। आप इन चीजों को करके देखिए। इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ा है हमारा खान पान। कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। खान पान आपका व्यवस्थित होना चाहिए। और भी चीजें आप बहुत समय लगेगा, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाने पीने में जरूर सिलेक्शन रखें। ज्यादा गरिष्ठ चीजों का प्रयोग न करें, फाइबर वाली चीजें ज्यादा लें। और हमारे चैनल पे खान पान से संबंधित भी तमाम वीडियो जो पड़े हुए हैं, जिससे कि जैसे गर्म पानी पीने के फायदे, पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और तमाम वीडियोज पड़े हुए हैं जो आपको लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारियां देंगे। आप उसे देखिएगा। और दोस्तों एक टिप्स आपको मैं जाते जाते खाने को लेकर दे रहा हूं कि सुबह में आपको अंकुरित चना आप अवश्य लीजिए। इसलिए कि अंकुरित चना के अंदर वो कैपेसिटी है कि चना ही एक ऐसी फसल है जो बिना खाद और बिना पानी के पैदा होती है। और हॉर्स पावर कहा जाता है, हॉर्स पावर होता है घोड़ा। अब घोड़े का मुख्य आहार है चना, तो चना से जब घोड़े में इतनी मजबूती हो सकती है तो दोस्तों आपके अंदर चना खाने से कितनी मजबूती आएगी। आप कुछ दिनों तक अंकुरित चना सुबह लेकर के देखिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल डॉक्टर SB तिवारी को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और डॉक्टर SB तिवारी नित्य नए
प्रयास के साथ आप लोगों की सेवा में हाजिर रहता है। दोस्तों, मैं अपने चैनल को आपके लिए ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि एक ही छत के नीचे आपको वो सारी चीजें मिले जो एक व्यक्ति को जीवन में आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त डॉक्टर एसबी तिवारी आपसे विदा लेता है। पुनः आपको किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।